नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.6 इसका प्रश्न नंबर 7 हम कर रहे हैं। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो पहले तो मैं इसी को हल कर लेता हूं। मान लो हर कितना है, अंश से 8 ज्यादा, तो पहले अंश पता होना चाहिए तभी हर पता लगेगी। अंश बराबर x, तो यदि हर अंश x है तो हर कितना है उससे 8 अधिक, तो हर कितना होगा x से 8 ज्यादा, यानी x प्लस 8। ठीक है, तो परिमेय संख्या कितनी होगी? परिमेय संख्या होती है अंश बटा हर, तो ये होगी x बटा x प्लस 8, ये होगी परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन देखिए, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश कितना है x, इसमें 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए, हर थी x प्लस 8, इसमें से एक घटा दिया जाए। दोबारा देख लो, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश था x, उसमें 17 जोड़ दिए यानी 17 प्लस कर दिए, बटा हर नीचे होती है ना, तो हर में से एक घटा दिया जाए, हर थी x प्लस 8, इसमें से एक घटा दो, माइनस 1, तो अब हमें 3/2 प्राप्त होता है, यानी ये जो है 3/2 के बराबर है। इसको आगे हल करते हैं, x प्लस 17 बटा x प्लस 8 माइनस 1 होता है 7 बराबर 3/2। अब इसे हम कैसे हल करते हैं बच्चों, याद है आपको? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हल करते हैं, है ना बच्चों? तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आइए, 2 इधर इन दोनों से गुना होगा ना, 2x से गुना होकर हो जाएगा 2x प्लस 2/17 से गुना होगा, 17 × 2 = 34 बराबर 3x से गुना होगा तो 3x प्लस 3/7 से गुना होगा तो 3/7 = 21। ये तो बड़ा आसान है, हमने पहले भी ऐसे सवाल किया है। x एक तरफ ले जाओ, बिना x वाली रकम में दूसरी तरफ ले जाओ, 2x, 3x के साथ कोई निशान नहीं है यानी प्लस, 3x उधर जाके हो जाएगा माइनस 3x बराबर 21, यहां पहले से है 34, यहां प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस 34। तो 2 + 2 - 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1x, साथ में बड़ी रकम का निशान, बड़ी रकम है 3, उसके साथ निशान है माइनस बराबर प्लस माइनस माइनस, 34 में से 21 निकाले 13, ठीक है बच्चों, और साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13, x की वैल्यू आ गई 13, लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें क्या निकालनी है, परिमेय संख्या। तो आइए हम परिमेय संख्या निकालते हैं। परिमेय संख्या किसके बराबर है, x बटा x प्लस 8। तो x की जगह जो अभी हमने x निकाला वो रख दो, x निकाला है 13, तो ये हो जाएगा 13 बटा x की जगह फिर से 13 प्लस 8, तो ये हो गया ऊपर 13 नीचे 13 प्लस 8 होता है 21। तो हमें जो परिमेय संख्या निकालनी थी वो परिमेय संख्या ये है 13/21, ये परिमेय संख्या हमें निकालनी थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया, ये प्रश्न आपको इजी लगा इस वीडियो के माध्यम से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।